वीटो पावर मिलते ही मोदी का शपथ ग्रहण हुआ। संपन्न अमेरिका पहुंचते ही मोदी ने वीटो के बिल पर की आशाएं। मोदी के 3 मिनट के भाषण में पूरे यूएनएससी को मंत्रमुग्ध कर लिया। एक के बाद एक 193 देशों में से 180 देशों ने वीटो पेपर पर किया। आशाएं अपनी हार मानते हुए चीन ने भी भारत के वीटो पर लगा दी। अपनी मोहर यूएनएससी के अंदर अपनी बेइज्जती को छीन नहीं कर सका, सहन और छोड़ भागा। यूएनएससी को इतिहास में पहली बार भारत के वीटो के रास्ते में कोई नहीं बचा। अब रोड़ा दोस्तों, भारत के दशकों पुराने इतिहास के सुनहरे पन्नों में भारत का नाम अब जुड़ चुका है। अब भारत को ऐसी पावर मिल चुकी है जिसका इंतजार भारत कई सालों से कर रहा है। कई नेता आए गए, लेकिन जो मोदी ने कर दिखाया है उसको करना और लोगों के लिए नामुमकिन बना हुआ था। भारत ने आज वह इतिहास रच दिया है जिसको देखकर पूरी दुनिया हक्की बक्की हो चुकी है। भारत एक बार फिर से पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाली महाशक्ति के रूप में उभर कर दुनिया के सामने आ चुका है। इस समय भारत ने वह गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्राप्त कर ली है जिसका इंतजार भारत कई दशकों से कर रहा था। दोस्तों, अमेरिका की धरती पर पहुंचते ही भारत ने अपने विश्व गुरु की कुर्सी को दोबारा से ग्रहण कर ली है, और इस अहम मौके पर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्व गुरु के तौर पर संयुक्त राष्ट्र सभा में अपनी दहाड़ लगाते हुए दुनिया के कई देशों को संबोधित किया, जिसके बाद पूरा संयुक्त राष्ट्र सभा मोदी की नारों से गूंज उठा। और स्थायी सदस्यता मिलते ही भारत ने दुनिया के कई देशों को कुछ ही सेकंड के अंदर कड़ी चेतावनी दे डाली है, जिसमें कुल मिलाकर के 32 देश शामिल हैं जिन्हें भारत ने अपने रडार पर लिया है। लेकिन दोस्तों, भारत को यह जो स्थायी सदस्यता मिली है, यह आसानी से नहीं मिली है। इसके लिए भारत को बड़े पापड़ बेलने पड़े हैं, तब जाकर भारत के हाथ इतनी बड़ी कामयाबी लगी है। भारत को संयुक्त राष्ट्र सभा में स्थायी सदस्यता मिले, इसके लिए दो देशों ने पूरे यूनाइटेड नेशन से लड़ने को तैयार हो गए थे, और वह देश कोई और ही नहीं, अमेरिका और भारत का सबसे करीबी मित्र रूस है। दोस्तों, सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि अमेरिका और रूस का भारत के प्रति इस तरह समर्थन कर चीन को हिलाकर रख दिया है। इस समय चीन को बड़ी मिर्ची लग चुकी है, यूनाइटेड नेशन के अंदर अपनी बेइज्जती को सहन नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते चीन ने अपना बोरिया बिस्तरा बटोर कर अब यूनाइटेड नेशन को हमेशा के लिए छोड़कर जाने को तैयार हो गया है। तो वहीं पाकिस्तान के डेलीगेट्स को भारत में इस कदर लताड़ा है, जिसके बारे में आप सुनेंगे तो खुशी से झूम उठेंगे। और अब इस वीडियो के अंदर आपको भारत के ऐसी ताकत के बारे में पता चलने वाला है कि किस तरह से अस्थाई सदस्यता पाने के साथ ही दुनिया भर में भारत ने अपने परचम लहराया है। भारत अमेरिका की सरजमीन पर कदम रखने के साथ ही यूनाइटेड नेशन में जाने से पहले ही भारत ने अपने करीबी मित्र रूस से भी मुलाकात की है, और जैसे ही भारत ने अपना कदम यूनाइटेड नेशन में रखा, वैसे ही संयुक्त राष्ट्र सभा के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस सहित सब ने भारत का भव्य स्वागत किया है। इसी के साथ ही अब भारत वीटो पावर वाला देश बन चुका है, जिसका इंतजार पूरी दुनिया, यहां तक कि दुनिया भर के लगभग 180 देश बड़ी बेसब्री से कर रहे थे, जिनका प्रतिनिधित्व अब यूनाइटेड नेशन में भारत करने जा रहा है। दोस्तों, इस समय चीन को लेकर के जो खबर सामने आ रही है, उसे सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि चीन किस कदर से भारत के लिए गड्ढा खोद करके बैठा था। और वहीं कनाडा और यूनाइटेड किंगडम के साथ ही तुर्की और ईरान जैसे देशों को अमेरिका ने जिस तरह से लपेटा है, वह बात यह देश कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। अमेरिका ने एक बार फिर से भारत के साथ अपनी दोस्ती की मिसाल पेश कर दी है, जिसको लेकर के पूरी दुनिया को अब तक शक था। जी हां, बड़ी खबर आ चुकी है। साथ ही साथ भारत को लेकर के जो सबसे अहम खबर सामने आई थी कि भारत के अजीत डोभाल को लेकर के समान अमेरिका ने जारी किया था, उसको लेकर भी अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बहुत बड़ी बात कही है। क्या कहा है? भारत ने किस तरह से अमेरिका में अपना परचम लहराया है, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले भारत के इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, इस समय संयुक्त राष्ट्र सभा में पीएम मोदी की स्पीच सुनने के बाद पूरी दुनिया गदगद हो चुकी है, तो वहीं दुनिया के कुछ देशों की हालत इस कदर बिगड़ चुकी है कि अब उन्हें लग रहा है कि वह न घर के हैं न घाट के।
अब उन्हें लग रहा है यूनाइटेड नेशन में उनके लिए कुछ नहीं बचा है। अगर अपनी इज्जत को बचाना है तो इस यूनाइटेड नेशन से बिना कुछ बोले हुए चले जाना ही। बहादुरी दोस्तों, यह जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि इनमें से कई मुस्लिम देश भी शामिल हैं, और यह ऐसे वैसे मुस्लिम देश नहीं है बल्कि इनमें से कई मुस्लिम देशों का भारत के साथ पहले संबंध बेहतर भी था। लेकिन भारत के संयुक्त राष्ट्र सभा में पहुंचने के साथ ही इन देशों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। तो वहीं चीन को कुछ इस कदर से मिर्ची लगी है कि चीन अब भारत के साथ अपने संबंधों को लेकर के जो बोला है, और भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर के चीन ने जो जहर उगला है, उसे सुनने के बाद एक छोटा बच्चा भी चीन के मंसूबों को बेहतर से समझ जाएगा। बता दें कि चीन के डेलीगेट्स ने यह बात कहते हुए कहा है कि क्वाड उन देशों का संगठन है जो पूरी दुनिया में फूट डालो और राज करो ऐसी पॉलिसी पर काम करते हैं। लेकिन पीएम मोदी ने यूनाइटेड नेशन के अंदर चीन के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है कि चीन के सारे अक्ल ठिकाने आ गए हैं। यूनाइटेड नेशन के अंदर उसकी बोलती पूरी तरह से मोदी ने बंद कर दी है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यूनाइटेड नेशन में अपनी स्पीच में कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सभा में भारत की एंट्री किसी देश के साथ प्रतिशोध के लिए नहीं है, न ही किसी देश को नीचा दिखाने के लिए लिए है, बल्कि भारत पूरी दुनिया को एक साथ अपना परिवार मानते हुए, उसके भले बुरे के बारे में सोचते हुए सबको बराबरी का स्थान देता है, और भारत की जो पॉलिसी है वसुधैव कुटुंबकम, इसको भली भांति पूरी दुनिया पर लागू करता है। दोस्तों, पीएम मोदी का भाषण सुनने के बाद दुनिया के तमाम देशों में हलचल मच चुकी है। बता दें कि दुनिया के तमाम देशों में भारत ने उन मुस्लिम देशों को सीधा अपने रडार पर लिया है जो पीओके के मामले में पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। मोदी इन देशों को कड़ी धमकी देते हुए कहा है कि पाकिस्तान जैसा देश जो हमेशा गलत ही साबित हुआ है, अगर आप उसका सपोर्ट करते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं गलत ही माने जाएंगे। आगे पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत सबके साथ सबका विकास में भरपूर योगदान देने के लिए हर समय खड़ा रहेगा, और सबकी अच्छाई के लिए यूनाइटेड नेशन में अब आगे काम करने वाला है। और इसी के साथ ही यूनाइटेड नेशन के अंदर संयुक्त राष्ट्र सभा के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी भारत की तारीफ करते हुए, भारत का भव्य स्वागत करते हुए कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री का यूनाइटेड नेशन के अंदर स्वागत है, हमारे नए मेंबर्स के लिए एक नई कुर्सी मुबारक हो, यानी कि भारत के लिए छठी कुर्सी की व्यवस्था अब यूनाइटेड नेशन में हो चुकी है, जिसका इंतजार खुद भारत लंबे अरसे से कर रहा है और जिस पर हमेशा चीन के वीटो की वजह से रुकावट बनती थी, लेकिन अब वह रुकावट हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। चीन के नियमों को पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए, चीन के वीटो को ताक पर रखते हुए यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत के स्थायी सदस्यता के लिए एंट्री सुनिश्चित कर दी गई है। इसके अलावा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की। इसके अलावा इसराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे विवाद पर भारत ने कहा कि हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे इस विवाद को विराम मिले, दोनों देशों के बीच शांति स्थापित हो, और उम्मीद है इसराइल इसमें हमारा साथ जरूर देगा। वहीं खबर यह भी आ रही है कि इसराइल ने भारत के सारे फैसलों को सर आंखों पर लिया है। इससे यही साबित होता है कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के शब्दों में कितनी ताकत है, उनका एक शब्द किसको किस तरह से पूरी तरह से बदल सकता है। आज यह यूनाइटेड नेशन में साबित हो गया है, भारत के पीएम मोदी ने अब एक बार फिर से विश्व गुरु की कुर्सी पर विराजमान होते हुए पूरी दुनिया को समझाया है कि इस कुर्सी का असल मतलब क्या होता है, साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन की क्या रिस्पांसिबिलिटी होती है, समझाते हुए कहा कि अगर दो देश लड़ रहे हैं तो उसमें घी डालने का काम नहीं करना चाहिए, बल्कि उन देशों को समझाना चाहिए ताकि उनके बीच जल्द से जल्द शांति स्थापित हो सके। लेकिन यह बात चीन, ईरान और तुर्की जैसे देशों को गवारा नहीं जाता है, उन्हें किसी भी हालत में यह शोभा नहीं देता, क्योंकि यह देश कभी भी नहीं चाहते हैं कि कोई देश शांति में रहे। ये देश दूसरे देशों को लगाते रहते हैं क्योंकि इससे इनका फायदा है, उनके बीच घुसकर यह अपनी रोटी सेंकते हैं, इनके बिजनेस करने का यही फंडा है। भारत के पीएम मोदी ने अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। उन्होंने कहा है कि
कि अब दुनिया के कई देशों के साथ हम सबमिट करने जा रहे हैं और इन फ्यूचर पीएम मोदी कई बड़ी चीजों को लेकर भी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। अब पूरी दुनिया की नजरें एक बार फिर से भारत के पीएम मोदी के ऊपर टिक चुकी है। इसके अलावा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका की धरती पर अपना कदम रखा, उसके साथ उन्होंने वहां एक बहुत बड़ा उद्घाटन कर चुके हैं। उन्होंने अमेरिका में सर्वाइकल कैंसर को लेकर के सबसे अहम बात रखी है। इसके बाद जो बाइडेन ने पीएम मोदी को गले लगाते हुए शाबाशी दी है और जो बाइडेन की आंखों में आंसू साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उनका बेटा खुद सर्वाइकल कैंसर से जूझ चुका था और भारत की तरफ से उठाई गई यह मुहिम उन्हें कहीं ना कहीं खुद से रिलेट कर रही है। दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि भारत का ओहदा पूरी दुनिया में कितना बढ़ चुका है। पूरी दुनिया मोदी को अपना मसीहा मान चुकी है।